हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेट ऑफ स्पीड वी इज मीटर पर सेकंड एंड ऑफ एक्सेलरेशन ए इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हिच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो इज राइट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, एम स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ये जिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और जूल का मतलब भी दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, फिर स्पीड का दिया हुआ है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि हमें इन तीनों की यूनिट्स दे रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों कोई भी एनर्जी हो सबका एसआई यूनिट एक ही होता है, वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और जूल का मतलब क्या है, तो हमें दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो केजी का होगा एम वन, मीटर का एल होता है और उसकी पावर टू हो जाएगी, टाइम का होता है टी और उसकी पावर माइनस टू हो जाएगी। तो ये मुझे मिल गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं पूछा क्या है, हमें दिया है कि विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो इज राइट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। तो मैं डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके बताना है पांचों में से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमें बताता है अगर LHS और RHS कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो वहां पे LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो पहली चीज यहाँ पे सभी में LHS में K दिया हुआ है, K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया है, तो ये LHS के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे RHS के, उसमें अगर मैं पहला एक्सप्रेशन लिखूं तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे m की क्या होगी, डायमेंशनल m और पावर 2 हो जाएगी, फिर v, v का हमें दिया हुआ ऐसा यूनिट, यहाँ पे देखो बच्चों मीटर पर सेकंड, मतलब कि l1 माइनस 1, पावर कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m2 l2 e की पावर माइनस 2। कि हमारा LHS से मैच नहीं होता है, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन तो बच्चों गलत हो गया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे में हमारा जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं होता, तो हम 1 बाई 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर मैं लिखूंगा m का होगा m1, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर। अब मैं वी स्क्वायर को डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि एल टी माइनस 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एल टू टी माइनस 2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा LHS से मैच हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि दूसरा जो है वो सही है। तीसरे की बात करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं तीसरा एक्सप्रेशन जो कि है m into a। बच्चों a, m, m का होगा m1, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट देखो बच्चों यहाँ पे गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा l1, सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा e की पावर माइनस 2, क्योंकि वो माइनस पावर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे LHS से मैच नहीं होता है, यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू की साइन लगाएंगे, गलत हो गया। तो फॉर्मूला वो फोर्स का है, हमें पता ही एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू एम है, ये तो डायरेक्टली गलत हो जाता है, जिसको पता है वो तो डायरेक्टली टिक मार्क कर देगा कि ये तो गलत है। अब चौथा एक्सप्रेशन हम देखते हैं तो वो क्या है बच्चों, 3 बाई 16 एम वी स्क्वायर। तो फिर से बच्चों कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो एम वी हो जाएगा एम वन और वी डायरेक्टली फिर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये अभी हमारा LHS से मैच कर रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये वैलिड है, मतलब कि इसको मार्क करेंगे, ठीक है। पांचवा जो एक्सप्रेशन है हमारा के का, वो ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। पहली चीज यहाँ पे देखो हम बच्चों कि एक्सप्रेशन नंबर टू है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम वन एल टू माइनस टू, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन ये था एम वन एल टू माइनस टू, और एम ए वो है एक्सप्रेशन नंबर थ्री में, और एम ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला, एम वन एल वन टी माइनस टू। बच्चों ये डायमेंशन सेम ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आप कोई भी चीज को, कोई भी क्वांटिटीज को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करते हो तो तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम। यहाँ पे दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है बच्चों, आप देखो एल का डायमेंशन अलग है और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे एल की पावर वन है, तो इसका मतलब हम इसको ऐड नहीं कर सकते। पहले तो ये एक्सप्रेशन ही गलत है, वैलिड तो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन ही गलत है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है पर यहाँ पे ये फोर्स है, आप एनर्जी और फोर्स को ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, आगे चेक करने। तो
पता होगा तो डायरेक्टली ये बोल देगा कि ये गलत है। तो अगर हम देखें तो इन पांचों में से हमारा जो एक्सप्रेशन वैलिड आता है वो दूसरा और चौथा आता है, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, और एक चीज हम इसमें है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है जो लिमिटेशन है बच्चों, कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है वो बता सकते, क्योंकि का कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट से हम ये कह सकते कि और ये भी सही है, पर इन दोनों में से कौन सा एग्जैक्टली सही है वो नहीं बता सकते, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस लिमिटेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आंसर नंबर सी ऑप्शन। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।